रहे हैं, दिखाएं क्या बताया, रिवील करते हैं। 1 2 3 ऑफ करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल गुप तेरा मोबाइल ड्रामा जैसे तू गाड़ी चला ले यार। चलो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, निकालते हैं 4x4 में थार। तो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की गुड मॉर्निंग सीधा हम ब्रेकफास्ट टेबल से कर रहे हैं, क्योंकि भाई रात को इतनी थकावट हो गई थी ना, फिर भी एडिटिंग करके मैं सो गया और सुबह तो उठने की हिम्मत नहीं थी। बट बस ये था कि ब्रेकफास्ट के नाम पे कि भाई बाहर आए यार, घूमने फिरने आए, सोए तो करना है, तो इसलिए यार उठ गए और सीधी आँखें आगे खोली यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल में। तो अब ये है कि सीन की अभी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह वो देखते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे, और शायद ऑफ रोडिंग का है सीन, देखते हैं, लेट्स सी जो भी होगा आपके साथ दिखाएंगे आपको। और बाकी थैंकफुल यार बारिश फिलहाल के लिए रुकी है, बस रुकी रहे, अगर रुकी रहेगी तब जाके कल गाड़ी अपनी निकल पाएगी, वरना भाई बहुत मुश्किल होने वाला है। चलो देखते हैं क्या बनता है, फटाफट ब्रेकफास्ट खाते हैं पहले। तो भाई जंगलों में एक और नई सुबह, और यार ये रास्ता देखो यहाँ पर इतना अमेजिंग है ना, और ये रास्ता ऐसा है ना जैसे ऐसा लगता है जैसे शादी में शामियाने नहीं होते जब हम एंटर करते हैं, और ये देखो शादी में हम सारे जा रहे हैं कार्ट में, है ना, शादी में जा रहे हैं पोलो मार्को की तो यार पोलो मार्को हमारे जो डॉग है वो है दोनों, तो उनका नाम पोलो मार्को है। बाकी यार लेकिन अभी है, अब बच्चों के लिए और थोड़ा बड़ों के लिए उन्होंने एक्टिविटी प्लान की हुई है इन सब ने, तो अभी हम टी शर्ट पेंटिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे एक मिशन पे। मिशन क्या है, ये भी एक मिशन है, ये भी एक मिशन है लेकिन हम एक और बड़े मिशन में जाएंगे उसके बाद, वो आपको अभी बताते हैं। और यहाँ पे खैर क्योंकि बाहर बारिश यार ऑन ऑफ चली हुई है, तो इसलिए हमने इंडोर ही प्लान कर लिया था। तो सारे यहाँ इंडोर में ना ये बच्चों के लिए स्पेशली ये पेंटिंग इन्होंने रखी हुई है, टी शर्ट पेंटिंग। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अगली ट्रिप फ्री 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 हो जाएगा। हाँ पेंटिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, सारे कलर मिला के लगा देंगे, सबसे डिफरेंट हो जाएगा। इंद्रधनुष बनाना, इंद्रधनुष ऐसा है कि हमारी सबकी टीमें बढ़ चुकी हैं और हमारी टीम है नंबर 1 और फर्स्ट आना है अपने को, देखो बहुत जिम्मेवारी है। तो अपनी टीम में भाई भी हैं, ये भी है हमारी टीम में, और विक्रम सर भी अपनी टीम में है, और हम तो हैं ही हैं, और हमारा आयाश भी है, है ना। चलो पूरी मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मैंने बहुत कहा कि आ जाओ आए नहीं। सही है, अरे वी आर हैप्पी उधर जाओ। जीतेंगे हमारा टीम भी नंबर 1 है, हम जीतेंगे डन, दैट्स द स्पिरिट। सर बताना नहीं है। पहाड़ों में आके पहाड़ तो बनाना बनता है, देखो अब ये पता नहीं समझ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहाड़ है, नदी है, ये सूरज भी निकाल दिया जो अभी निकला नहीं हुआ, और ये बादल ही बनाया है। अभी आगे इसको और हम क्रिएटिविटी दिखाएंगे, इसमें और कुछ डालेंगे। हम रिवील करने जा रहे हैं अपने मेहनत, हमने MS हुसैन के जो हम पर होते हैं मुश्किल से खानदान से है ना, जो बताएं दिखाएं कि क्या बताया, रिवील कर रहे हैं। 1 2 3 आपने बनाया है, मतलब मेरा तो क्रेडिट ही खा गया, ये बताओ ये क्या है, गेस करो। ये हम स्कूल में बनाते थे ना, पहाड़ में से पानी निकल रहा है, नीचे हट है, धुआं निकल रहा है। आप अगर अपनी हट के आगे सूंड बना दो ना, हाथी बन जाएगा, जंगल में हाथी घूम रहा है। तो जी यहाँ शादी में खाना मतलब यार लंच हो गया है अपना,
तो बस अब यहाँ से फ्री होके अब बेसिकली हम जा रहे हैं जो थार कल फंसी हुई थी जो मैं आपको दिखाई थी उसके रिकवरी के लिए, क्योंकि मौसम सही है, बारिश नहीं है फिलहाल, अब तो उसको निकाल के लाना बनता है। लेकिन उससे पहले थैंकफुली जो मौसम खुला है उसका फ़ायदा लें। अब आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं, तो ये सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय करो। आपने बिल्कुल जंगल के बीचों बीच इस टाइम हम रुके हुए हैं, तो आई होप आपको ये सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे हों। बस यार बाकी अब हम जा रहे हैं जो थार की रिकवरी के लिए, बाकी वहां देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। आज तो कुछ भी करके भाई निकाल के लानी ही लानी है। चलो तो जी थार को निकाले, अब हम थार में जाएंगे, अब देखते हैं एक जाती है, दो जाती है, तीन जाती है, कितने बंदे रेडी होते हैं जाने के लिए। लेकिन अब जाएगी तो भाई थार ही। भाई एक और चिड़िया जो है उड़ा दी है ये, लेकिन अपने से फर्क है भाई इसका ये तो खतरनाक है भाई, बहुत तेज भागती है, बहुत तेज आवाज करती है और भागती बहुत है। ये देखना स्पीड इसकी इतनी है ना, एक बार लेके जाना फुल स्पीड पे। हाँ ये देखना, वो अपनी भाई इतनी स्पीड से नहीं भाग सकती, अपना है सिनेमैटिक शॉट्स के लिए। तो ये भैया ऐसे कुछ एलियन से दिखते हैं लगाने के बाद। लेकिन तो जी अपनी ऑफ रोडिंग की ट्रेल स्टार्ट हो रही है और यहाँ भी थार, यहाँ भी थार, यहाँ भी थार और यहाँ भी थार, तो सारी थारे इकट्ठी होके ऑफ रोड थारम थार कर देंगे, सारे जंगलों थारम थार। और बस इसके साथ साथ अपन जो एक थार को रेस्क्यू भी कर रहे हैं वो भी करेंगे। और ये हमारे ऑर्गेनाइजर जो है वो कहते हैं लेडी, फर्स्ट लेडी, हाँ फर्स्ट लेडी ऑफ दिस ट्रिप। हाँ तो ये भी जा रहे हैं थार में, तो भाई आज कुछ तूफानी करके आएंगे, अब जा रहे हैं तो करके तो जरूर आएंगे। तो ऐसा है सारी थारों को तो हमने भेज दिया है और खुद हम ओपन सफारी कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग पूरे खुले में। ये देखो चारों तरफ देखो भाई साहब, खुला है बिल्कुल, ये स्वाद आ रहा है, फील तो भाई साहब खुले में है सफारी करने में सिर्फ, ठीक है ना। ये लगी है लाइनअप सारे थार्स की जो फंसी हुई, निकाल दी क्या थार? ओहो यही तो थी 2675 भाई, थार जल्दी निकाल दी यार, धोखा दे गया यार, मैं तो 2-4 घंटे लगेंगे, मैं तो उस हिसाब से आया था। प्रूफ हमारे पास है, प्रूफ हमारे पास है। तो यार यहाँ खुली लोकेशन देख के यहाँ सारी थारों की लाइनअप लगाई हुई है। अब यहाँ से फिलहाल प्लान ये है कि आगे एक ऑफ रोडिंग का ट्रेल है उसमें हम जाएंगे, तो देखते हैं वो कितना और एडवेंचरस होता है। भाई अपनी 4x4 होती है ना एक्सयूवी, पक्का लेके जाते हैं पक्का। बट चलो हर जगह भी यार ऐसा है ना, उखली में सर नहीं देना चाहिए, जहाँ तक दिख रहा है कि जा सकती है लेके जाओ, जहाँ एक्सट्रीम है ना
गाड़ी तोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो बस थार में जाएंगे इसलिए। तो जी अभी हम जाने लगे हैं इस थार में जिसको विक्रम भाई चलाएंगे, अपने अपन साथ में बैठेंगे और भाई ऑफ रोडिंग की फील का मजा लेंगे और आप भी लोग। चलो जी चलते हैं फिर थार में और करते हैं ऑफ रोडिंग। पसली मार रही है ना अभी भी? मारेगी मारेगी, हाँ रियर व्हील ड्राइव है, ओवर स्टेयर करती है ना, तो उस स्टेप सामने वाली गाड़ी भी निकाल के रखा हुआ है कि भाई जरूरत पड़े साथ साथ खींच ले। तो यार यही मजा है जब ऑफ रोडिंग करने हो ना, तो मल्टीपल गाड़ियां रखो ताकि बाई चांस एक आधी गाड़ी फंस भी जाती है तो यार आपके पास बैक सपोर्ट है। कभी अकेले ना, अकेले ना हो, अकेले तो भाई साहब अब जिस जगह पे मैक्स भी लेके आऊ ना, मैं कसम से मैं कभी लेके भी सोचता भी ना लेके आने से पहले अगर मैं अकेला होता, ये तो भाई लोग साथ होते। थारे थी भाई, आठ थारे थी, फंस भी जाती भाई साहब, निकल आती फिर तो टीम वर्क ही, बस टीम वर्क। खैर वही वाली वाटर क्रॉसिंग है जो हमने कल क्रॉस की थी, हमने एक्सयूवी से भी क्रॉस कर ली, तो थार के लिए तो भाई ये बच्चों का खेल है, बड़े प्यार से निकलेगी यहाँ से। तो जी सारी थार आ गई है ऑफ रोडिंग करते हुए, तो ये बेसिकली यार वही स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कल हमने शुरू की थी ऑफ रोडिंग वाली ट्रेल। जिस थार में हम आए थे उसको हमने यहाँ लगा दिया, रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये थार है रियर व्हील ड्राइव, बट दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ भाई, ये बाहर से स्टिकरिंग कराई हुई है 4x4 की, अदरवाइज ये 4x4 नहीं है। तो वैसे यार जहां पर हमारा स्टे है उसका ये वाला रोड है जो आगे जाकर उस रिजॉर्ट तक जाता है, बट अभी क्या था पीछे बादल फटा था पीछे से, तो इस वजह से यार ये रोड आगे से टूट चुका है, तो इसलिए वह हमें ऑफ रोड करते हुए जंगल के थ्रू होते हुए वहां तक जाना पड़ा। ये अभी सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, हमने ऑर्डर दिया यहाँ पांडे जी मैगी पॉइंट पे मैगी का, क्योंकि भाई ऐसा है ना पहाड़ों पे आकर अगर तुम मैगी ना खाई ना तुमने तो भाई क्या खाया, तो पहाड़ों की मैगी तो भाई सबसे फेमस है। तो जी अब अपन आए रामनगर की तरफ रात की ऑफ रोडिंग तो नहीं बोलूंगा, एडवेंचर कर रहे हैं। तो एडवेंचर पता क्या अगर हमने करना है, ये देखो ऐसा एडवेंचर, ये बात, तो ये एडवेंचर करते मैं और विक्रम सर साथ साथ जा रहे हैं। फिलहाल हम रामनगर जा रहे हैं, और रामनगर क्यों जा रहे हैं भाई, अब मुझे नहीं पता कितनी लाइट आ रही है, मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ तो रामनगर अपन क्यों जा रहे हैं, छोटा मोटा सामान लाना है यार, कुछ बच्चों का सामान, क्योंकि वहां पर इतनी दूर पर शॉप्स वगैरह प्रॉपर सामान वहां पर नहीं अवेलेबल, तो इस वजह से यार जरूरी है, और कुछ मेडिसिन वगैरह भी लानी है, तो इसलिए हमने फिर डिसाइड किया भाई हम जाके आते हैं। और रात को जो मजा भाई साहब इस जंगलों के बीच में से, अभी पीछे से यार इतना शोर आ रहा था जंगल से, तो हमने तो अब शीशे ऊपर चढ़ाया तब शांति मिली है, मजा आ रहा था यार नेचर के बीच, रॉ टोटली रॉ नेचर वाला हिसाब है, कोई ऐसा नहीं है कि बंदों ने कुछ अरेंजमेंट कर रखी, ना भाई खुला, और हो सकता है शाम को अब रात हो गई है, हो सकता है अपने को रोड पे कोई शेर चीता कुछ ऐसा मिल जाए, भाई मिलता तो आपको जरूर दिखाएंगे, हाँ मिल सकता है भाई, देखते हैं वक्त क्या बनती है। फाइनली जी अपन थार की ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, और आज अपन इसको ड्राइव करने वाले हैं और थोड़ा सा ऑफ रोड भी करेंगे, रात हल्की हो चुकी है बट कोई नहीं हम रात में भी करेंगे। तो यार ये गाड़ी है बिल्कुल डिफरेंट एक्सयूवी से तो काफी ज्यादा, और ये किसी और पर्पज के लिए बनी है, और अपनी एक्सयूवी किसी और पर्पज के लिए, तो फिलहाल यार जो छोटा मोटा सामान लेना था हमने ले लिया है, और बस अब अपन निकल रहे हैं। तो भाई
भाई अगर मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन दूं ना, थार को अभी तक मैंने हाईवे पे नहीं क्लियर रोड पे चलाया, ऑफ रोडिंग वाला कोई पैच था नहीं, हल्की हल्की फुल्की वाटर क्रॉसिंग थी, दैट्स इट। तो यार लेकिन मेरे को ना इसका स्टेयरिंग उतना रिस्पॉन्सिव, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को इसके स्टेयरिंग से जितना 700 से आता है, क्योंकि यार बड़ी सिंपल सी बात है 700 बनी ही क्लियर रोड्स के लिए, ऑफ रोडिंग इतना हार्ड कोर नहीं कर सकती जितना ये थार कर सकती है। तो रोड की बात करूं, अगर यार आप सिटी में चला रहे हो गाड़ी या हाईवे पे चलाते हो तो थार आई डोंट थिंक सो आपके लिए बनी है। थार का फायदा तब है यार अगर आप 4x4 रो पहला, दूसरा अगर आप ऑफ रोडिंग के भी शौकीन हो भाई, फिर थार से कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तो फाइनली हम वापस आ गए रामनगर से, पहुंच चुके ननवा रिजॉर्ट, और यहां से अब आगे वो हार्ड कोर ऑफ रोडिंग वाला एरिया शुरू होने वाला है जो जंगलों के बीचों बीच जाता था और जहां हमने रिसेंटली अभी अपनी 700 से ऑफ रोडिंग की थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर माई बटन में डाल रहा हूं, जरूर जाके देखो यार, वो नहीं देखी तो क्या देखा। तो एनीवेज अब अपन ऑफ रोडिंग करने वाले हैं थार से। मैंने पहले कभी थार से ऑफ रोडिंग नहीं की, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम, तो अब इसको ट्राई करके देखेंगे। 700 तो भाई हमने निकाल दी थी, बट क्या जैसे कहते हैं थार से बहुत कॉन्फिडेंस आता है आपको ऑफ रोडिंग करने में, तो क्या आता है कि नहीं वो मैं अब आपको बताऊंगा ऑफ रोडिंग पे। तो चलो चलते हैं। तो भाई अपन आ गए हैं उसी ऑफ रोडिंग वाले ट्रैक पे, लेकिन उस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस ये है, एक तो रात है भाई, वो दिन का टाइम था तो इसलिए भाई कई चीजें दिख रही है कई नहीं दिख रही, लेकिन बस ये कि गाड़ी अपने पास जो है पूरी कैपेबल है। अब इसमें ना झोल भी बड़ा हो रहा है, गाड़ी झूल बहुत रही है। ये झूलती बहुत है थार, कैपेबल है जो मर्जी है, वो गाड़ियां बनी है लग्जरी के लिए। और ये तो लाइट में फिर भी आपको दिख रहा होगा शायद कि यार काफी रोशनी है, एक बार मैं ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल गुप अंधेरा। ओ भाई ड्रामा, तू गाड़ी चला ले यार, जंगल के बीचों बीच। मैं और विक्रम भाई ना अभी प्लान कर रहे थे, बाई चांस 1% भी गाड़ी अगर खराब हो जाती है कोई भी किसी वजह से भी, चाहे टायर खराब हो गया उसका या पेट्रोल खराब, एक्स वजह जो भी, भाई हम ना निकलते बाहर, गाड़ी यही साइड में लगा के हम तो यही सो जाएंगे। यार तो शुभ शुभ बोले, सड़क पे जान दे ले। ये तो अब ये बजना शुरू है भाई, थोड़ी सी एक ना हिम्मत जागी है कि बाई चांस अगर खराब भी हो जाए यार रुकना पड़ता है भाई, कोई हमें सुन लेगा, आ जाएगा मैं ढूंढते हुए। अब यार फाइनली वो वाला रास्ता आ चुका है जहां से हम दिन में आए थे, और ये बहुत स्लिपरी है, और एक जहां पर एक थार भी फंसी थी आप समझ जाओ कितना स्लिपरी होगा। तो अब उस रास्ते में हमने 4x4 एंगेज कर दिया, ये देखो अंदर लाइट आ गई है इसकी 4x4 की। अब पहली बार भाई थार की 4x4 को अपन टेस्ट करेंगे, चलो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, निकालते हैं 4x4 में थार। ओए और भाई ये रास्ता अकेले आने का नहीं है, मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है भाई साहब बिल्कुल भी। वैसे तो उस वाले से खतरनाक रास्ता है वैसे देखा जाए तो। सर बात बताओ, मैं आपको लाख रुपए दूंगा, बोलूंगा अकेले इस रास्ते जाओ, जाओगे? नहीं देखो अब तो पता लग गया, अलग बात है वो ऐसे कोई खास मजबूरी तो है नहीं यार, क्यों लाख रुपए अपनी जान जोखिम में डालनी भाई, ऐसे तो जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई किसी को बचाने से जाना, रेस्क्यू करने जाना तो अलग बात है, बस ये थोड़ा सा, अरे अभी कहाँ निकला है, अभी तो हो रहा है थोड़ा सा। तो जी फाइनली अपन आगे पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, और भाई तगड़ी ट्रेल थी यार, खतरनाक ड्रावनी सी ट्रेल। तो फिलहाल अब अपन जाएंगे अपनी गाड़ियों के पास, अपनी एक्सयूवी का भी भाई हालचाल पूछ लें कैसी है, लेकिन मजा आया, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये गाड़ी पार करने के बाद कि कैसा रहा। तो भाई अपनी एक्सयूवी को मिलने आ गए थे हम, कि कल से यहाँ खड़ी थी, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें किस तरह की, वो तो खैर कल जब चलाएंगे तब पता लगेगा दिक्कत आई है कि नहीं आई, बट यार मजा आया यार थार के साथ, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ऑफ रोडिंग करी है, पहली बार चलाई है एक्चुअली, तो मजा आया यार, बहुत कैपेबल गाड़ी है, बहुत कैपेबल गाड़ी है। लेकिन यार सच बताऊं, अगर ऑफ रोडिंग आपने करनी है तब तो थार लेने का फायदा है सच में, हाईवे में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिलाती यार, इसका जो स्टेयरिंग है इतना हार्ड है, और इसके जो पिछले रियर व्हील ड्राइव की वजह से ना इतना स्किड मारती है ना, अगर कभी आप स्पीड में मोड़ लो
तो ये चक्कर है इसका। लेकिन ऑफ रोडिंग में भाई साहब एक बार भी टायर स्पिन नहीं किया, इतने प्यार से मक्खन के तरीके से निकल के आई है। जहाँ अपने एक्सयूवी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इसने तो स्ट्रगल नाम की चीज ही नहीं करी कुछ भी। ये फर्क है, बस ये फर्क है। उसको ये है निकल जाएगी वो, लेकिन एफर्ट उसको पूरा लगाना पड़ेगा। इसके लिए तो भाई साहब वही कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल, बाएं या दाएं, पीनट